क्या आपने कभी सोचा है हमारी फ्लाइट स्पेसिफिक ओशियन के ठीक ऊपर से सीधे क्यों नहीं जाती? वर्ल्ड मैप पर तो सीधा रास्ता शॉर्टेस्ट लगता है, पर असल में कहानी कुछ और है। आइए जानते हैं इसके पीछे की साइंस और रीजंस। हमारी जो अर्थ है वो गोल है, फ्लैट नहीं। इसलिए जो रास्ता आपको मैप पर सीधा लगता है, रियल में वो बहुत लंबा हो सकता है। इसीलिए एशिया से नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स अक्सर नॉर्थ पोल या अलास्का के ऊपर से जाती है, जहां डिस्टेंस एक्चुअली कम होता है। दूसरा बड़ा रीजन है जेट स्ट्रीम्स। ये हाई एल्टीट्यूड विंड्स हैं जो बहुत तेजी से मूव करते हैं। पैसिफिक ओशन के ऊपर जेट स्ट्रीम्स अक्सर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर प्लेन इनके साथ उड़ता है तो फ्यूल और टाइम दोनों बचता है, लेकिन इनके अगेंस्ट उड़ना पड़े तो जर्नी लंबी और एक्सपेंसिव हो जाती है। तो एयरलाइंस फ्यूल इफिशियंसी के लिए भी इन रूट्स को अवॉइड करती है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है सेफ्टी। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि बीच में कोई एमरजेंसी लैंडिंग ऑप्शन नहीं है। एयरलाइंस हमेशा ऐसे रूट्स चूज करती है जहां हर घंटे के ड्यूरेशन में कोई नियर बाय एयरपोर्ट हो। इसे ETOPS रेगुलेशन भी कहते हैं। बोइंग 787 और एयरबस A350 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट की ETOPS रेटिंग बढ़ी है, जिसकी वजह से अब कुछ एरियाज में पैसिफिक के ऊपर से फ्लाई करना पॉसिबल हुआ है। और हाँ, वेदर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पैसिफिक ओशन का मौसम अनप्रिडिक्टेबल होता है, स्पेशली टाइफून्स और सिवियर टर्बुलेंस। कंपैरेटिवली लैंड के ऊपर वेदर फॉरकास्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है और इसकेप ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मैप पर फ्लाइट रूट्स देखें, रिमेंबर दैट स्ट्रेट लाइन इजंट ऑलवेज द शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे फैसिनेटिंग लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।